नमस्कार दर्शक मित्र, मैं हूं सोनल मकवाना। स्पीड न्यूज 17 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। देखते हैं आज की ताजा खबरें। मुजफ्फरनगर शहर की थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लगभग 2.25 लाख रुपए की कीमत के सुनार की दुकान से चोरी किए गए जेवरातों के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से सोने के जेवरात के अलावा देसी तमंचा एवं कारतूस भी बरामद हुए हैं। बुधवार को आयोजित की गई प्रेस वार्ता में सीओ सिटी कुलदीप सिंह ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने निर्देश पर अवैध शस्त्र व चोरी की घटनाओं की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिविल लाइन निरीक्षक उम्मेद कुमार ने अपनी टीम के साथ मुखबिर से मिली जानकारी के अनुसार सरवट फाटक के समीप से एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा ली गई तलाशी में बदमाश के पास से लगभग 2.25 लाख रुपए की कीमत का चोरी का माल किया गया है जब्त। उन्होंने बताया कि बदमाश से बरामद हुआ माल शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सुजरू के मोहल्ला खेड़ा पट्टी के स्थित सुनार की दुकान से चोरी किया गया था। उन्होंने बताया कि बदमाश के पास से 315 बोर का एक देसी तमंचा एवं जिंदा कारतूस के अलावा 2 जोड़ी सोने के कुंडल, नाक की बाली, 786 लिखा एक सोने का लॉकेट, 7 जोड़ी सोने की कान की बालियां तथा 108 छोटी बड़ी नाक की लॉक बरामदे हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिस को गिरफ्तार किए गए बदमाश की पिछले काफी समय से तलाश थी। बदमाश को गिरफ्तार करने के वाले टीम में प्रभारी निरीक्षक उम्मेद कुमार के अलावा उप निरीक्षक प्रवेश कुमार, सुनील नागर, हेड कांस्टेबल अरविंद कुमार और कांस्टेबल कृष्ण मावी मुख्य रूप से शामिल रहे। रिपोर्टर मोहम्मद अफरीदी इदरी से मुजफ्फरनगर। ये 19 तारीख को कोतवाली क्षेत्र में एक घटना हुई थी। एक सुनार की दुकान से एक बैग चोरी किया गया था, उसमें तकरीबन 4 तोले के करीब उनकी ज्वेलरी थी बनी हुई और अन्य उनके कागजात थे। उसमें मुकदमा दर्ज किया गया और उसी घटना का खुलासा आज सिविल लाइन पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें सिविल लाइन पुलिस भी और कोतवाली पुलिस भी दोनों टीमें लगी हुई थी और जो एक्चुअल वास्तविक चोर था उसको आज सिविल लाइन पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से जो चोरी का माल था जो कोतवाली से, जो कोतवाली में घटना हुई थी वहाँ से चुराया गया था, 100% माल लगभग जो 4 तोले की ज्वेलरी थी वो बरामद हुई है और एक इसके पास से एक अदद तमंचा बरामद हुआ है। और ये जो चोर है, अभियुक्त है, इसका नाम दानिश है जो कि यहीं सिविल लाइन थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और जानकारी में आया कि पहले भी इस पर 2 मुकदमे हैं, 2 मुकदमों में पहले भी जेल जा चुका है, इसका आपराधिक इतिहास भी है। और हम लोग जानकारी कर रहे हैं कि और कहां कहां से भी इसमें मुकदमे हो सकते हैं, तो उनकी भी जानकारी की। पहले कितनी घटनाएं कर चुका है, किस तरह रेकी करता था और कौन है इसको? अभी तक जो जानकारी हुई है वो अकेले का इसी का नाम आया है, क्योंकि जो वादी ने घटना वहां पे लिखाई है उसमें भी एक ही व्यक्ति का नाम आया है कि अकेला व्यक्ति था जिसके द्वारा घटना कारित की गई है। लेकिन हम इस पहलू पर भी काम कर रहे हैं कि क्या इसके साथ कोई और साथी भी है, यदि है तो हम उस पर निश्चित रूप से उसको गिरफ्तार करें। सर, इस मामले में इससे पहले एक आरोपी को उठाया गया था, उसमें 3 दिन पूछताछ के लिए पुलिस जो पूछताछ करती है, जो संभावित चीज़ें होती हैं उनमें सभी में, लेकिन पूछताछ के बाद उसको भी छोड़ा गया। सर, 3 दिन रखा गया था, उसमें 3 दिन तक नहीं, 3 दिन वाली बात गलत है, ऐसा नहीं है, उसको पूछताछ के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इसको गिरफ्तार किया गया सिविल लाइन क्षेत्र से ही।